दोस्तों, ये जो बैक्टीरिया की फोटो जो आप देख रहे हो स्क्रीन पे, दरअसल में ये आपके बिस्तर में 24 घंटे रहता है और ये आपके बिस्तर में लाखों की संख्या में रहता है। और ये सनसेट जिस टाइप का आप देख रहे हो आपके स्क्रीन पे, जहाँ पे तीन सूरज आपको हॉरिजॉन्टली दिख रहे हैं, इसको जंपिंग सनडॉग्स कहते हैं और ये लाखों में एक बार होता है। और ये जिस बैक्टीरिया की फोटो आप देख रहे हो, ये एक्चुअली बॉडी बग्स है और इसके बगैर हम एक सेकंड भी जिंदा नहीं रह सकते और ये हमारी बॉडी के अंदर ही रहता है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ मजेदार फैक्ट्स की बारिश होने वाली है इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना बिना स्किप किए हुए, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो न्यू यूजर्स, कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पे भी हिट कर ले। सो लेट स्टार्ट। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों जिस सनसेट की फोटो मैंने आपको दिखाई थी, एक्चुअली उसको जंपिंग सनडॉग्स कहते हैं। आपने अगर कभी भी ऐसे तीन सूरज हॉरिजॉन्टली अगर एक लाइन से देखे है सनसेट होते टाइम, मतलब आप विटनेस है सनडॉग्स के। तो ये जो फेनोमेनन होता है, ये अक्सर विंटर के सीजन में होता है और ये आइस क्रिस्टल्स के कारण होता है। तो जब एयर में हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल्स मौजूद होते हैं, तो इसके कारण ये सनलाइट रिफ्रैक्ट हो जाती है और अपने आंखों से ये प्रीसियस एंगल देखने को मिलता है। इस फोटो की मदद से आप देख सकते हो रेनबो सनडॉग्स, ब्राइट सनडॉग और प्रीसियस अलाइनमेंट के बारे में डिस्क्रिप्शन। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों चलो अब जान लेते हैं कि बॉडी बग्स क्या होता है। एक्चुअली अपना बॉडी का जो इकोसिस्टम है वो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है और वो इन्हीं बग्स के कारण हमारे इमोशंस और डाइजेशन कंट्रोल करता है। तो इस बॉडी बग्स का काम यह है कि बैक्टीरिया, आर्किया, फंगाई, प्रोटिस्ट और वायरसेस को मारना है और जो हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम है उसको डाइजेस्टिंग और इम्यून सिस्टम को इंक्रीज करने का काम होता है। जैसे कि हमारी धरती पे प्लांट्स और एनिमल्स के साथ में भी ऐसा ही होता है, लेकिन उनके अंदर में दूसरे बॉडी बग्स पाए जाते हैं जो कि उनके बॉडी के अकॉर्डिंग होते हैं। तो हमारे हर बॉडी के अलग अलग पार्ट में ये बॉडी बग्स अलग अलग टाइप से काम करते हैं। जैसे आपके हाथ और आपके पैर बहुत ज्यादा ड्राई है, तो ये बॉडी बग्स वहाँ पे आपको अलग टाइप का टेम्परेचर प्रोवाइड करती है ताकि बॉडी में मॉइस्चर बना रहे। फैक्ट नंबर 4, दोस्तों चलो अब जान लेते हैं कि माइट्स क्या होता है। ये माइट्स जो आपके स्क्रीन पे देख रहे हो, दरअसल ये आपके बिस्तर में रहते हैं, आपके साथ ही सोते हैं ये, और इन्हें सबसे ओल्डेस्ट माइक्रो मॉन्स्टर कहा जाता है क्योंकि ये धरती पर बहुत सालों से रह रहे हैं। तो अभी तक के साइंटिस्ट ने टोटल 48,200 स्पेसीज इनकी ढूंढ निकाली है, जो कि हर एक सब्सटेंस में अलग अलग माइट्स पैदा होते हैं। मतलब ये अलग अलग स्पेसीज अलग अलग सब्सटेंसेज में पाई जाती है, जैसे कि चीज माइट्स ऐसा दिखता है, डस्ट माइट ऐसा दिखता है और मील माइट इस टाइप का दिखता है। तो अगर हम डस्ट माइट की बात करें, तो ये जो डस्ट माइट है यही आपके बेड पे रहता है और जितना भी आपको जो डस्ट दिखता है ना, दरअसल में इसमें 60% माइट्स ही रहता है। ये बहुत ज्यादा छोटा रहता है जो कि नहीं देख सकते। अगर आप 320 माइक्रोमीटर्स पे देखे तो ये दिख सकता है टेलीस्कोप से। इनका जो साइज रहता है वो 420 माइक्रोमीटर से 320 माइक्रोमीटर की लेंथ और हाइट रहती है। फैक्ट नंबर 3, दोस्तों ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं उसको ब्लू रिंग्ड ऑक्टोपस कहते हैं। ये वेस्टर्न पैसिफिक रीफ्स में पाया जाता है और ये ऑक्टोपस सिर्फ 20 सेंटीमीटर का है, लेकिन ये समुद्र का सबसे पॉइजनस ऑक्टोपस है। और ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, इसे मुरे ईल कहते हैं। इसके दो जबड़े रहते हैं, एक शिकार को पकड़ने के लिए और एक शिकार को खाने के लिए, और ये हमेशा छुपा रहता है, शिकार का वेट करता है जब तक इसकी नेक्स्ट मील मिल न जाए। और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये क्राउन ऑफ थॉर्न्स स्टारफिश है। तो ये शिकार करने का इसका टेक्निक थोड़ा अलग है। ये इसके ऊपर कोई भी शिकार को चिपका लेता है और उसका पूरे टिश्यूज को चूस लेता है और स्केलेटन ऊपर का ऊपर ही छूट जाता है। और ये जो स्क्रीन पे आप देख रहे हो, ये टाइगर शार्क है। टाइगर शार्क की एक खासियत है कि इसकी एक्सेलेंट मेमोरी है और इसकी एक्सेलेंट स्मेल है और इसकी आंखों की देखने की शक्ति बहुत ज्यादा है। और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसको रीफ स्टोन फिश कहते हैं। जो पत्थर जैसे दिखने वाली जो फिश है, इस पे कोई भी आगे बैठता है तो ये अपना पॉइजनस जहर छोड़ता है और उसको वहीं मार देता है। फैक्ट नंबर 2, दोस्तों ये जो जानवर जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, दरअसल आपने ये पहली बार देखा होगा और इसको कोका कहते हैं। ये एक्चुअली कंगारू के टाइप से ही कुछ दिखता है, लेकिन ये कोका की प्रजाति सिर्फ 10,000 है जो कि ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है, रूटनेस्ट आइलैंड के पास में। इसकी पूंछ एक चूहे की जैसी है और इसका मुंह भी लगभग एक चूहे के जैसा रहता है। और अगर आप इसके स्माइल की बात करो तो ये हमेशा हंसता रहता है, इस टाइप से इसका फेस स्ट्रक्चर है। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि मूवमेंट्स क्या होता है विद द हेल्प ऑफ सीसो। एक्चुअली सीसो पे जब दो आदमी लेफ्ट और राइट में बैठते हैं, तो पर्सन ए और पर्सन बी का जो वेट रहता है उसके हिसाब से ये सीसो वर्क करता है और ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है, इससे हम मूवमेंट मेजर करते हैं। अगर दोनों का वेट
सेम है तो सीसो स्टिल पोजीशन पे रहेगा, फिक्स पोजीशन। लेकिन सपोज पर्सन ए का वेट अगर 37.5 केजी है और पर्सन बी का वेट 50 केजी है, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हो, तो ये क्लॉकवाइज घूमेगा। तो इस पर्सन बी का जो मूवमेंट रहेगा वो 750 न्यूटन मीटर रहेगा, जो कि विद द हेल्प ऑफ ग्रेविटी से निकाला जाता है। लेकिन अगर पर्सन ए अगर नीचे जाता तो वो 375 न्यूटन के स्पीड से एंटी क्लॉकवाइज घूमता। तो इस टाइप से मूवमेंट्स निकाला जाता है। चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मेरे वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।